हे व्हाट्स अप गाइस, सो वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो यूटोपिया के अंदर फास्ट लेवल अप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा चार वेज जिसकी मदद से आप फास्ट लेवल अप कर सकते हो यूटोपिया के अंदर। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऑसम ऐसे ही यूटोपिया के रिलेटिव आगे भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक और चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सपी कार्ड हमें मिलते हैं, जो लो ग्रेड एक्सपी कार्ड और एडवांस एक्सपी कार्ड होते हैं, उसको आप लोग यूज़ करा करो, ताकि उसको यूज़ करने से आपको मिलती है डबल एक्सपी। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि उसको यूज़ करके अपना लेवल अप करना, ताकि आपको मिल सके डबल एक्सपी। तो या स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, तो जो हमारा फर्स्ट फास्ट लेवल अप करने का तरीका है वो है माइनिंग। तो माइनिंग से हमें काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, तो हमें माइनिंग से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और जब हम माइन करते हैं आयरन ओर तो हमें मिलती है 200 एक्सपी, और सिल्वर से 400, गोल्ड से 600, और ऑब्सिडियन और क्रिस्टल से हमें मिलती है 1000 एक्सपी। तो माइनिंग एक काफ़ी अच्छा तरीका है फास्ट लेवल अप करने का यूटोपिया के अंदर। और जब आप अच्छी खासी माइनिंग करोगे तो आपका लेवल काफ़ी जल्दी बढ़ेगा, और माइनिंग करना काफ़ी आसान भी होता है, जिस आपके लेवल के हिसाब से आप माइनिंग कर सकते हो। और जब आप एक्सपी कार्ड यूज़ करोगे तो आपको और भी ज़्यादा एक्सपी मिलेगी माइनिंग करने से। तो माइनिंग के लिए इतना ही, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वे की तरफ। ओके, तो हमारा फास्ट लेवल अप करने का सेकंड वे है वो है हंटिंग। तो हंटिंग से हमें काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है आपको, और हंटिंग आपको काफ़ी इजीली आपको रिसोर्स भी मिल जाएंगे, और आपको साथ साथ आपकी एक्सपी मिलेगी। तो हंटिंग की मदद से आप काफ़ी तगड़ा लेवल अप कर सकते हो इस गेम के अंदर, और हंटिंग करना काफ़ी ईजी भी होता है। आप नॉर्मल एनिमल्स को मारते ही काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हो। आप एक जब एक चिकन को मारोगे तो भी आपको 100 एक्सपी मिलेगी, और अगर आपको जो हाई लेवल जो कार्ड होता है एक्सपी वाला वो यूज़ करोगे तो आप काफ़ी तगड़ा आपका लेवल बूस्ट होगा। तो हंटिंग का मदद से आप काफ़ी तगड़ी एक्सपीरियंस कमा सकते हो, और आपको साथ में रिसोर्सेज भी मिलेंगे जिसको आप बेच के अच्छे खासे गोल्ड भी अर्न कर सकते हो। तो या हंटिंग से आप काफ़ी तगड़ा लेवल अप कर सकते हो। तो इसके लिए भी इतना ही, तो हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी वे की तरफ। ओके, तो हमारा जो तीसरा फास्ट लेवल अप करने का वे है वो है ट्री चॉपिंग। तो इसकी मदद से आप काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस कमा सकते हो। अब जब आप एक ट्री को आप जो कट करोगे तो आपको मिलेगी 100 एक्सपी, और अगर आप एक्सपी कार्ड यूज़ करोगे तो आपको डबल एक्सपी भी मिलेगी। तो ट्री की मदद से, ट्री को कट करने से आपको अच्छे खासे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, और आपकी जो एक्सपी है वो भी काफ़ी तगड़ा जो वो बढ़ेगी। और ट्री को कट करना काफ़ी इजी भी होता है, और आपको ट्री को कट करके आप काफ़ी जो चीज़ें भी ले सकते हो, उसकी मदद से आप गोल्ड कॉइन भी कमा सकते हो उसको बेच के। तो ट्री कट करके आप काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस भी कमा सकते हो। तो या यही था हमारा तीसरा वे, तो हम बढ़ते अपने लास्ट वे की तरफ। ये तो हमारा जो लास्ट फास्ट लेवल अप करने का वे है वो है क्राफ्टिंग। तो क्राफ्टिंग से आप काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस कमा सकते हो, और आप जो कार्ड यूज़ करोगे तो आपको डबल एक्सपी मिलेगा। और क्राफ्टिंग करना काफ़ी ईजी भी होता है, जब आप बाकी चीज़ें करके लेवल अप जो अपना लेवल अप बढ़ाओगे तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, तो उसकी मदद से आप क्राफ्टिंग भी कर सकते हो, और इन चीज़ों को आप बेच के काफ़ी ज़्यादा गोल्ड भी कमा सकते हो। और क्राफ्टिंग से आपको काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, तो एक एक नॉर्मल चीज़ क्राफ्ट करने से भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो क्राफ्टिंग की मदद से आप काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस कमा सकते हो शॉर्ट वे में। तो यही था हमारा लास्ट वे फास्ट लेवल अप करने का। तो या आज की इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और आप ऐसे ही ऑसम वीडियो देखना चाहते हैं यूटोपिया ओसियस के रिलेटेड, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ से आगे भी ऐसे ऑसम वीडियोस लाने वाला हूँ। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।